नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा उपचुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है, मोकामा में नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है और मोकामा का जो टाल इलाका है घोसवरी, वहां नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, एक जनसभा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी रहेंगे, डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम दोनों रहेंगे, सीएम भी रहेंगे। और कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीलम देवी के लिए वोट मांगा है, ये आप जानते हैं। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति में जाहिर तौर पर बवाल बढ़ा है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद पाले हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह दावा था कि जेडीयू भीतरघात करेगी, लेकिन ऐसा लगता है पुरानी दुश्मनी ललन सिंह ने भी भुला दी है और नीतीश कुमार ने भी भुला दी है और दोनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों नीलम देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कल ललन सिंह ने मांगा, आज नीतीश कुमार मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बयान आया है इस पर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो इन दिनों मोर्चा खोले बैठे हैं जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ, उन्होंने हमला बोला है और ये कहा है कि शराबबंदी और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार गोपालगंज में शराब माफिया मोहन गुप्ता और मोकामा में आतंक के पर्याय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए किस मुंह से वोट मांगेंगे। अनंत सिंह पर पुट्टुस यादव की बर्बर तरीके से हत्या करने सहित 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके परिवार परिसर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के कारण उन्हें 10 साल की सजा हुई, ऐसे आपराधिक व्यक्ति की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने पर उनकी पत्नी को राजद का टिकट मिलना और उनके लिए जेडीयू के नीतीश कुमार का वोट मांगना कहां की नैतिकता है। मोहन गुप्ता के बारे में भी उन्होंने कहा है, मोहन गुप्ता को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है गोपालगंज सीट से, उसको शराब माफिया बताया है, उनको शराब माफिया बताया है सुशील मोदी ने, और कहा है कि मोहन गुप्ता गोवा की शराब कंपनी सिल्वर हेरिटेज स्प्रिट लिमिटेड के मालिक हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है अनंत सिंह को लेकर कि जब अनंत सिंह जेडीयू में थे तो उनके यहाँ छापा नहीं पड़ा और जब जेडीयू से अलग हुए तो उनके यहाँ छापा पड़ गया। अब वही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए नीतीश कुमार वोट मांगने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार आज जनसभा करने वाले हैं, नीलम देवी के लिए वोट मांगने वाले हैं और उससे पहले बिहार की राजनीति में ये बवाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है, सवाल उठा रही है कि किस मुंह से नीतीश कुमार नीलम देवी का प्रचार करने जा रहे हैं, किस मुंह से नीलम देवी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं मोकामा में।